हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.2 फ्रॉम चैप्टर फैक्टराइजेशंस। सेम एक्सरसाइज आपकी ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 10.2 पे है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप ऑल क्वेश्चन वन बाय वन देख सकते हो। नाउ फैक्टराइज द फॉलोइंग 1 to 9 पोलिनोमियल। तो ये ऑल पोलिनोमियल्स का हमें फैक्टराइजेशन करने हैं, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस पॉलीनोमियल में हमारे टर्म कितने हैं, 4 टर्म्स हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए 4 टर्म्स 5 टर्म्स में, तो उसे हम ग्रुपिंग के अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने ग्रुपिंग कर लिया, एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई, ये एक ग्रुप बन गया। सेकेंड हमारा एक्स एंड वाई का ग्रुप बन गया, क्लियर। अब इसमें हम कॉमन लेंगे जो दोनों टर्म में कॉमन हो। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि 2x है, इधर x इंटू वाई सिंगल x है, तो कॉमन क्या होगा, तो कैसे देखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर 2x है मतलब x इंटू x, ये हमारा सेकेंड टर्म में x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, तो दोनों में कॉमन हमारा ये x हो गया। सो x को हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर अब क्या लेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर, इस 2x में से एक x बाहर आ गया, तो सिंगल x बच रहा है, तो वो x हमने ले लिया है ना, यहाँ कॉमन एक, ये तो क्या कॉमन हो गया 1x, तो ये एक x सिंगल x बच रहा है, सो हमने x को ले लिया। नाउ एक्स वाई में देखिए एक से एक ये हमारा कैंसिल हो गया, दोनों की डिग्री 1 कैंसल, तो सिर्फ y बच रहा है, तो y को हमने लिख दिया। तो ब्रैकेट्स में x इंटू एक्स प्लस वाई, नाउ ये माइनस का साइन एंड इन ब्रैकेट्स में अब लेंगे, अब कॉमन क्या लेंगे इसमें, देखिए x एंड y ये दोनों ही लिटरल अलग अलग हैं, सो कॉमन में हम क्या लेंगे, इस x के साथ कोई डिजिट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, इसी तरह y के साथ कोई डिजिट्स नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो खाली हो, जैसे ये लिटरल्स हमारे हैं तो इसके साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 हमेशा है, ये हमेशा याद रखना। तो 1 हमारा दोनों में, सो 1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 1 एंड ब्रैकेट्स में अब क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर आकर रिवर्स हो गया, ये माइनस प्लस बन गया, क्लियर। एंड फैक्टराइजेशन में वन थिंग और याद रखना कि ब्रैकेट्स का जो हमने ये पार्ट लिखा है, दोनों ही ब्रैकेट्स में सेम आने चाहिए, जैसे यहाँ पर एक्स प्लस वाई आया तो ये भी एक्स प्लस वाई आने ही चाहिए, अगर ये आपका एक्स माइनस वाई आ जाता है तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ब्रैकेट्स में बिल्कुल सेम आना ही है, आना है, ठीक है। नाउ आंसर लिख लेते हैं, तो आंसर में हमारा देखिए एक्स प्लस वाई दोनों में है, सो एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया हमने एंड ये हमारा एच सी एफ हो गया, फैक्टराइज हो गया इनका, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन एंड बचा हुआ पार्ट को भी इंटू में हम लिखते हैं, तो देखिए एक्स प्लस वाई हटाने के बाद हमारा क्या बच दिख रहा है, एक्स माइनस वन बच रहा है, सो हमने ब्रैकेट में लिख लिया एक्स माइनस वन, क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट टू, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस फाइव वाई प्लस फाइव जेड, ठीक है। तो ग्रुपिंग हम किसका लेंगे, क्लियर है, ये देखिए फाइव फाइव, इधर वाई स्क्वायर, तो ये इन दोनों का ग्रुपिंग हो गया, ये इन दोनों का ग्रुपिंग ले लेंगे। तो फर्स्ट इसमें से ले लेते हैं, तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, अगेन यहाँ पे क्या है, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म में हमारा है वाई इंटू जेड, तो कॉमन हमारा वाई हो गया, तो एक वाई हम यहाँ कॉमन ले लेंगे एंड ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, 2y है ना, 2y में से एक वाई तो ये इधर बाहर आ गया, तो सिंगल y बच रहा है, यही y यहाँ हम लिख लेंगे। नाउ माइनस का साइन एंड वाई जेड में से y इंटू जेड, एक y बाहर आ गया, तो कॉम एक बच रहा हमारा z, यही z यहाँ पे आ जाता है ब्रैकेट्स में। नाउ ये माइनस का साइन लेंगे, अब अगेन जब भी माइनस का हम साइन लेंगे तो ये सेकेंड पार्ट टर्म में हमारा क्या होगा, ये जो प्लस है रिवर्स हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है। नाउ कॉमन दोनों में देखिए 5 इंटू वाई 5 इंटू जेड, 5 दोनों में है तो 5 ही हमारा कॉमन आ गया, क्लियर। एंड ब्रैकेट्स में हमारा बच गया y माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन जेड। अब दोनों ब्रैकेट्स को चेक कीजिए, तो देखिए y माइनस जेड, यहाँ भी ब्रैकेट्स में y माइनस जेड, तो दोनों सेम है, सो आंसर हमारा राइट ही होगा। तो इक्वल टू आंसर लिख लेते हैं, पहले ब्रैकेट्स लिख लेंगे, ब्रैकेट्स में जो है 1y माइनस जेड इंटू, अब y माइनस जेड को छोड़ने के बाद जो बच रहा है y माइनस फाइव, तो ये हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, y माइनस फाइव इज द आंसर, क्लियर। आंसर में हमारा अलग हो सकता है, बट ये जो हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस समय ब्रैकेट सेम होना चाहिए, क्लियर। नाउ क्वेश्चन टू इज 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7x। तो पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो ग्रुपिंग हम क्या बनेगा हमारा, देखिए 5 एंड ये 5 दोनों कॉमन हो जाएगा, इसी तरह 7 एंड 7 का ग्रुपिंग बनेगा। तो सो फर्स्ट हम लिख लेते हैं ग्रुपिंग को एक करके, 5xy देन माइनस 5y स्क्वायर
then minus 7x, then plus 7y, ठीक है। तो प्लस 7y हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज x एंड y में x पहले आता है, तो x को पहले लिख लिया और बाद में 7 लिख लिया। नाउ ग्रुपिंग में आ चुका है तो कॉमन को बाहर लेंगे, तो क्लियर है यहाँ 5xy माइनस 5y, दोनों में 5 है तो 5 कॉमन हो जाएगा। उसका लिटरल में चेक करेंगे कॉमन है या नहीं, देखिए x तो दोनों में नहीं है, y दोनों साइड है, दैट मीन्स y भी हमारा कॉमन आ जाएगा। तो जिसकी डिग्री कम होगी उसे हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 5 की डिग्री 2, यहाँ y का डिग्री 1 है, सो y बाहर आ जाएगा। एंड ब्रैकेट्स के अंदर अब लिखेंगे 5 एंड y, सिंगल y, तो देखिए 5 एंड ये 1y, ये दोनों बाहर आ गया, बच गया x, तो हम यहाँ लिख लेंगे x, एंड ये जो गिवन साइन है उसे लिखेंगे। नाउ ये 5 से 5 कैंसिल, ये 2y है, 2y यहाँ पे है, एक y दो में से बाहर आ गया, सिंगल y बच रहा है तो y लिख लेंगे, क्लियर। नाउ माइनस का साइन, अब हमेशा ध्यान रखना जब भी यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ब्रैकेट्स में ये जो साइन गिवन है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। एंड कॉमन क्या हो गया, दोनों में 7 है तो 7 कॉमन हो गया, x तो दोनों में है नहीं, y भी दोनों में नहीं है, तो एक्स वाई हमारा कॉमन नहीं होगा। नाउ ब्रैकेट 7 से 7 कैंसल, x बच गया तो x, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस देने के बाद चेंज हो जाएगा, तो माइनस बन गया, यहाँ भी 7 कैंसल, y बच रहा है तो y। अब ब्रैकेट्स को चेक कर लीजिए, देखिए x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई दोनों सेम है, ठीक है। तो आंसर लिख लेंगे, फर्स्ट हम लिख लेंगे x माइनस वाई इंटू, ठीक है। अब क्या बच रहा है हमारे पास, 5y माइनस 7, तो इसे भी ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे इंटू 5y माइनस 7, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना ये जो फैक्टराइजेशन निकाला कर रहे हैं, तो एक्स माइनस वाई दोनों ब्रैकेट में जो सेम होता है ये हमारा फैक्टराइज हो गया, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन निकल गया, एंड बचे हुए पार्ट को इंटू में लिख लेते हैं, क्लियर। नाउ सब पार्ट टू, 5p² माइनस 8pq माइनस 10p प्लस 16q। अब यहाँ पे किसे किसे हम ग्रुपिंग में रख सकते हैं वो चेक करेंगे, देखिए तो 5p² ओनली p है, यहाँ पर 10p है, ठीक है। तो दोनों में p है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, p तो इसमें भी, आप कहोगे p तो इसमें भी है, इसे कॉमन क्यों नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया वो तो समझिए, देखिए 8pq एंड 16q, तो q यहाँ पर सिंगल है, तो q के साथ ये ग्रुप बनेगा, क्लियर। तो चलिए इसे एक साथ हम लिख लेंगे, फर्स्ट 5p² p² के साथ हम लेंगे 10p को, तो माइनस 10p, क्लियर, माइनस, अब इसमें 8pq है तो इसे फर्स्ट लिख लेंगे 8pq प्लस 16q। नाउ ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो 5p² माइनस 10p, तो देखिए 5 एंड 10 का पहले हम HCF लेंगे। सबसे सिंपल मेथड है कि दोनों में जो छोटा नंबर है उसे फर्स्ट देखिए, तो 5 10 में 5 छोटा है, अब यह चेक कीजिए इस 5 की टेबल में ये नंबर आ रहा है, तो 5 2 10, 5 से 10 डिवाइड हो जा रहा है, दैट मीन्स हमारा HCF 5 ही होगा, ठीक है। तो ये फैक्टराइज करने का तरीका है जिसे आप आसानी से कर सकते हो, जो छोटा नंबर हो उसे ले लो, उसकी टेबल पढ़ लो, टेबल में दूसरा नंबर आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो उसका HCF हो गया ग्रेटेस्ट। चलिए तो 5 हमारा कॉमन हो गया, नेक्स्ट p दोनों में है, ठीक है। तो ये p की डिग्री 2, यहाँ p की डिग्री 1, तो 1p बाहर आ गया। एंड ब्रैकेट्स, अब 5p, 5 से 5 कैंसिल, इस 2p में से 1p बाहर आ गया, 1p अभी भी बच रहा है, तो p, नाउ ये माइनस का साइन, अब 5 से इस 10 को डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 2 आ गया, नाउ p से p कैंसिल, तो p माइनस 2 हो गया, अब माइनस का साइन, अब यहाँ ब्रैकेट्स में 8 एंड 16, तो दोनों में छोटा नंबर 8 है, 8 की टेबल में 16 आता है, 8 2 16, दैट मीन्स HCF 8 हो गया, क्लियर। एंड दोनों में Q है तो Q बाहर आ गया ब्रैकेट्स में, अब यहाँ 8 एंड Q, 8Q कैंसिल, P बच रहा है तो P नाउ माइनस है, तो ये प्लस क्या हो गया, रिवर्स होकर माइनस बन गया। अब 8 से 16 को डिवाइड करेंगे, 8 2 16, 2, और Q सिंगल है, यहाँ सिंगल Q कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए P माइनस 2 आ गया। नाउ आंसर लिख लेते हैं, तो P-2 एंड P-2, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, तो फर्स्ट इसे लिख लेंगे P-2 इंटू, बच गया हमारा 5P-8Q, तो यहाँ गया 5P-8Q इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज a² b - ab² प्लस 3a - 3b, क्लियर। तो ये तो हमारा ग्रुपिंग में सेम इस तरीके से हम ले लेंगे, क्लियर है। तो देखिए a² b ab² यहाँ पर a² है, सिंगल a है, तो a बाहर
इधर दो बी है, इधर सिंगल बी, तो सिंगल बी बाहर आ जाएगा। नाउ कैन ब्रैकेट्स लेंगे, अब दो ए में से एक ए बाहर आ गया, वन ए यहाँ बच रहा है, तो वन ए बी से बी कैंसिल, दोनों सिंगल है, सो क्लियर ए। नाउ ये माइनस का साइन, अब इसमें चेक करते हैं, सिंगल ए है, सिंगल ए कैंसिल। नाउ दो बी, यहाँ वन बी बाहर आ गया, तो वन बी बच रहा है, सो ए माइनस बी। नाउ ये प्लस का साइन, क्लियर, एंड कॉमन हमारा दोनों में थ्री है, थ्री कॉमन हो गया, एंड क्या बच गया हमारे पास, ए माइनस बी, ठीक है, प्लस का साइन यहाँ पे है, तो ये रिवर्स नहीं होगा, ये एज इट इज होगा। आप ब्रैकेट चेक कीजिए, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो हमेशा आप ध्यान रखना, ये जो चेंजिंग हम करते हैं, साइन को रिवर्स करते हैं, तब करते हैं किस कंडीशन में, जब ये माइनस होता है, या जब हम माइनस का साइन लेंगे तो सेकेंड वाले ब्रैकेट्स का साइन रिवर्स होगा, क्वेश्चन में जो साइन है उसका रिवर्स होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन है, सो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आया। नाउ आंसर लिख लेते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। सो पहले फैक्टर्स को बाहर लिख लेंगे, ए माइनस बी इंटू बचे हुए पार्ट को, दैट मीन्स ए बी एंड प्लस थ्री, ये हमारा आंसर। नाउ सब पार्ट टू, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, तो फर्स्ट एक्स क्यू एंड थ्री एक्स स्क्वायर ग्रुपिंग हो गया, तो इसका कर लेते हैं। तो देखिए x का क्यू, यहाँ x का स्क्वायर है, जिसके साथ छोटा डिग्री है उसे बाहर लेते हैं, सो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। नाउ इन ब्रैकेट्स में, अभी x पे यहाँ 3x है, यहाँ 2x बाहर आ गया, 3 में से 2 1 बाहर आ, 2 बाहर आ गया, 1 बच रहा है, सो x। नाउ ये माइनस का साइन, अब देखिए x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, दोनों कैंसिल, 3 बच गया तो 3 लिख लिया। प्लस अब यहाँ पे देखिए एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ 1 है, तो 1 एंड 3 का एच सी एफ लेंगे, तो 1 एंड 3 का एच सी एफ, तो देखते हैं निकाल के कितना आएगा। तो देखिए 1 का जब एच सी एफ आप निकालते हैं तो 1 ही होगा, और जब 3 का एच सी एफ हम निकालते हैं तो 1 एंड 3, ठीक है, तो एच सी एफ क्या हो गया, 1, ठीक है, क्योंकि दोनों में 1 आ रहा है, सो एच सी एफ हमारा 1 आ गया। नाउ ब्रैकेट्स के अंदर, अब ये x बच रहा है तो हम x लिख लेंगे, देन ये माइनस का साइन, बिकॉज ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, सो माइनस, 1 से 3 डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा। तो देखिए x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट्स में आ गया। यहाँ आप अच्छे से ध्यान से ध्यान समझ के रखना है ना, कोई लिटरल के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, और इधर एक नंबर जो भी आपका दिया हो क्वेश्चन में, उन दोनों का आप एच सी एफ निकालो, तो 1 और गिवन नंबर कोई भी हो उसका एच सी एफ हम निकालेंगे तो हमेशा वो 1 ही होता है, सो 1 लिख लेंगे। नाउ इसे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्लियर, अब आंसर लिख लेते हैं। तो एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री सेम आ गया, सो एक्स माइनस थ्री इंटू बचा हुआ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज 6xy² माइनस 3xy, क्लियर है, दोनों में xy है, तो ये हमारा ग्रुपिंग बन जाएगा। नाउ माइनस 10y प्लस 5, तो ये दोनों का एक ग्रुपिंग हो गया। अब यहाँ देखिए 6 एंड 3 में छोटा नंबर 3, 3 की टेबल से 6 डिवाइड हो रहा है, 3 2 6, 3 की टेबल में 6 आ रहा, सो हमारा एच सी एफ 6 एंड 3 का एच सी एफ आ गया 3। नाउ लिटरल में चेक करेंगे, दोनों तरफ सिंगल सिंगल x है, तो 1x हमारा बाहर आ जाएगा। नाउ वाई स्क्वायर, यहाँ 2y है, यहाँ पे सिंगल y है, तो सिंगल y बाहर आ जाएगा, तो 3xy बाहर आ गया, एंड ब्रैकेट्स में नाउ 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 2x कैंसल, सिंगल x, यहाँ पे 2y में से 1y बाहर, 1y बच गया, तो 2y। नाउ ये माइनस का साइन, अब इस 3 से 3 को डिवाइड किया, 3 1 3, 1 x से x कैंसल, y से y कैंसल, तो 2y माइनस 1। नाउ ये माइनस का साइन, अब 10 एंड 5 में छोटा नंबर 5, 5 की टेबल में 10 आ रहा है, तो दैट मीन्स 5 हमारा एच सी एफ हो गया, y दोनों साइड नहीं है तो ओनली 5 कॉमन हो गया, जो कि बाहर लिख लेंगे। नाउ 5 से 10 को डिवाइड किया, 5 2 4 10, एंड ये y, अब ये देखिए माइनस है, तो माइनस के आगे के साइन रिवर्स हो जाएंगे ब्रैकेट्स के अंदर, सो ये माइनस, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1। अब देखिए 2y माइनस 1, दोनों सेम आ गया, सो आंसर इज हमारा राइट है। तो 2y माइनस 1 फर्स्ट लिख लेंगे, एंड बचे हुए पार्ट्स को इनटू में ब्रैकेट्स के अंदर 3xy माइनस 5 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट टू, 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx, क्लियर है, इन दोनों का ग्रुपिंग बनेगा, यहाँ इन दोनों का ग्रुपिंग बनेगा, क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, हमें ब्रैकेट्स में सेम चाहिए, ठीक है, तो इसमें जब आप चेक कीजिए तो 3 छोटा है, 3 से 6 की टेबल में आता है, 3 2 6, है ना, 3 की टेबल में 6 आ रहा है, सो हमारा 3 एच सी एफ हो गया। नाउ दोनों साइड a है, तो 3 a बाहर आ जाएगा, देन हमारा x एंड इस साइड 3 2 6 2y, तो x एंड 2y बच रहा है, तो इस पार्ट में भी हमें
फर्स्ट में x बचना चाहिए, बट x हम देख रहे हैं कि लास्ट में है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x हमारा बाद में आएगा, है ना, ये प्लस ये माइनस है तो प्लस माइनस बनेगा, देन लास्ट में x आएगा, और x यहाँ हमें स्टार्टिंग में आ रहा है ब्रैकेट्स के अंदर। तो उसके लिए दोनों हमें सेम करना होता, तो सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 4bx को पहले लेने होंगे। किस तरह से, सो देख लेते हैं। तो देखिए पहले लिख लेंगे 3ax माइनस 6ay, देन x हमें फर्स्ट लेना है क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म में x है, तो इस टर्म सेकेंड टर्म में, यहाँ इस पॉइंट में ये सेकेंड टर्म है तो इसे फर्स्ट टर्म में लेना होगा। सो 4bx देन माइनस 8by, इस तरह से हम क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो ये दोनों का हमारा HCF हो गया, 3 दोनों साइड a है, सो a बाहर आ गया, 3 है, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल, तो x बच रहा है। नाउ x माइनस, अब 3 से 6 डिवाइड किया, 3 टू जार 6, 2 a से a कैंसिल, y बच गया, तो x माइनस 2y। अब ये प्लस का साइन, अब जब प्लस लेते हैं तो आगे का साइन एज इट इज रहता है, ठीक है। नाउ 4 एंड 8, छोटा नंबर 4, 4 की टेबल में 8 आता है, सो 4HCF। नाउ दोनों साइड b है तो b कॉमन आ गया, एंड ब्रैकेट्स के अंदर देखिए 4 से 4 कैंसिल, b से b कैंसिल, x बच गया x, नाउ ये माइनस का साइन। अब देखिए 4 से 8 डिवाइड किया, 4 टू चार 8, b से b कैंसिल एंड y बच गया। अब देखिए x माइनस 2y, x माइनस 2y दोनों बराबर हो गए, सो हमारा आंसर हो गया x माइनस 2y इंटू बचा हुआ पार्ट है 3a प्लस 4b इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू 1 प्लस वाई प्लस वाई क्यू। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट्स क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स इस एक्स वाई से 1 को इंटू करेंगे एंड y को इंटू करके लिखेंगे, तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू 1 इज एक्स वाई, नाउ प्लस का साइन, एक्स वाई इंटू वाई, तो ये हो गया x, यहाँ पे y की डिग्री 1, y की डिग्री 1, इंटू में डिग्री को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो y की डिग्री 2, ठीक है, 1 प्लस 1 2, नाउ प्लस y 3, नाउ फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पर x की डिग्री 1 है तो 1x बाहर आ गया, एंड ब्रैकेट्स के अंदर इस 2x में से 1x बाहर आ गया तो 1x बच रहा है। नाउ प्लस का साइन, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल, 1y बच गया, प्लस ये साइन ले लिया हमने। अब यहाँ पे वाई टू वाई थ्री, यानी कि वाई टू हमारा कॉमन हो गया एंड ब्रैकेट्स में बच रहा है, वाई टू आ गया तो x बच रहा है, एक्स प्लस वाई थ्री, सॉरी वाई टू है, यहाँ वाई, यहाँ थ्री वाई है, यहाँ टू वाई है, तो थ्री में से टू बाहर आ गया, दैट मीन्स 1 बच रहा है, तो यानी कि x प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई, x प्लस वाई सेम हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर बचा हुआ पार्ट, है ना, तो x प्लस वाई स्क्वायर इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ भी ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 इज एक्स वाई माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इंटू कर रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का साइन, एक्स वाई इंटू एक्स, टू एक्स हो गया, सो एक्स स्क्वायर एंड वाई माइनस एक्स क्यू। नाउ वाई स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पे दोनों की ग्रुपिंग में ये y की डिग्री छोटा है, सो y बाहर आ जाएगा, एंड ब्रैकेट्स के अंदर 2y में से 1 बाहर, सो 1y माइनस x, ये y से y कैंसिल, नाउ प्लस का साइन। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर, ये है x 3, तो x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एंड ब्रैकेट्स में x स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बच गया इसमें y, अब ये प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, नाउ x 3 में से x 2 बाहर आ गया, 1x बच रहा है, ब्रैकेट चेक कर लेते हैं, y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, सो आंसर आ गया हमारा y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, जो बच गया वो पार्ट लिख लेंगे, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो अगेन हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, तो ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, से इन दोनों को इंटू किया तो एक्स वाई ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस एक्स वाई बी ए स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर, तो ए बी हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट्स के अंदर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बच रहा है,
इस पार्ट में एक्स वाई दोनों साइड है तो एक्स वाई कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग जाएगा बिकॉज ब्रैकेट्स में हमें सेम चाहिए ना, एक वन साइड एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, सेकेंड साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसे अरेंज करना होगा। ठीक है, तो अरेंज करने में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पार्ट को एक साथ लिख लेंगे देन हमारा सॉल्व हो सकता है। कैसे करके देखते हैं, तो फर्स्ट हम इन दोनों को एक साथ लिख के देखेंगे, तो देखिए ए बी एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर देन इसे ले लेते हैं फर्स्ट में माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, बिकॉज इन दोनों में अब हमारा देखिए ए एंड एक्स दोनों साइड ए एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में हमारा बी एक्स एंड ए वाई बच जाएगा, है ना, वन ए वाई बच जाएगा, तो यहाँ पर बी एक्स बच रहा है, तो यहाँ पे हम इस पार्ट को अगर फर्स्ट लिख रहे हैं तो बी एक्स इसमें भी हमारा बच जाएगा, सो हमने पहले इसे लिख लिया है ना, ये आपको माइंड में थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरह से सोचना पड़ेगा तब जाकर होगा। क्लियर, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, तो आपको प्रैक्टिस ढेर सारी करनी होगी। नाउ एक्स वाई बी स्क्वायर माइनस अब बच रहा हमारा ए बी वाई स्क्वायर, ए बी वाई स्क्वायर। क्लियर, अब हमारा ग्रुपिंग सेम बन सकता है अच्छी तरह से, तो चलिए करते हैं। यहाँ देखिए ए दोनों साइड है, बी नहीं है, एक्स दोनों साइड है, तो सिंगल ए है तो ए बाहर, यहाँ पे देखिए एक्स दोनों साइड है, ये एक्स की डिग्री वन, तो ये वाला एक्स हमारा बाहर आ गया, ए एक्स बाहर। नाउ ब्रैकेट्स के अंदर ए कैंसल, दो एक्स में से वन एक्स बाहर आ गया, वन बच रहा है एंड बी बच रहा है, तो ये हमारा हो गया बी एक्स माइनस, सेम यहाँ पे करेंगे तो ये बच रहा है हमारा सिंगल ए, टू ए में से वन बाहर तो ए एंड वाई बच रहा है। नाउ माइनस, अब माइनस आ गया तो ब्रैकेट्स में साइन हमारा चेंज होगा बट प्लस ए बी वाई एस, तो ये प्लस हो गया, तभी प्लस प्लस रिवर्स होगा माइनस बनेगा। नाउ यहाँ पे देखिए क्या बाहर आ रहा है, तो बी एंड एक वाई बाहर आ रहा है, तो फर्स्ट बी लिख लेंगे देन वाई एंड ब्रैकेट्स में बी वाई, वन बी बाहर आ गया, वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, वन बी एंड एक्स। ठीक है, यहाँ बी एक्स लिखा है तो फर्स्ट एक्स ना लिख के पहले बी लिख लिया फिर एक्स, देन माइनस है तो ये प्लस, माइनस बन गया माइनस प्लस माइनस, यहाँ बच रहा है हमारे पास ए एंड वाई। अब देखिए बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई सेम हो गया, सो आंसर हम लिख लेंगे बी एक्स माइनस ए वाई इंटू बचा हुआ पार्ट ए एक्स एंड माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई इज द आंसर। एंड बच्चों आपका मेरी वीडियोस पे बिल्कुल ही लाइक नहीं आ रहा है, देखिए मैं अपना 100% आपको दे रही हूँ, तो आपका भी तो कुछ एफर्ट बन रहा है ना, मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रही हूँ, तो मान लो आपकी ये फीस है, आप वीडियो जब भी देखो तो वीडियो पे वन लाइक ज़रूर कर दो, देखो जितना ज़्यादा वीडियो पे लाइक आता है ना तो यूट्यूब उसे ज़्यादा प्रमोट करता है, यानी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है ना, ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँच पाएगी, तो इसे आप मेरी फीस समझ लो कि आप मुझे मेरी फीस दे रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर करो। क्लियर, चलिए अब आगे सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं, सेकेंड सब पार्ट सिक्स का, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, देखिए ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, एंड ये वाला टर्म हमारा ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंड ए माइनस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसी के अकॉर्डिंग पहले इसे हमें सेट करना है, देन हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर दैट मीन्स ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा ए एक्स का स्क्वायर इंटू टू ए बी, है ना, तो टू इंटू ये ए पार्ट हो गया, ये बी हो गया, तो टू इंटू ए एक्स इंटू बी वाई प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स बी वाई का स्क्वायर, तो बी वाई का स्क्वायर। नाउ ये प्लस का साइन ले लेंगे, अब क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स ए का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, यानी कि ए बी एक्स का स्क्वायर, तो बी एक्स का स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, सो माइनस का साइन लेंगे। नाउ टू इंटू ए बी, तो ये हो गया टू इंटू ए यानी कि बी एक्स
इंटू बी यानी कि ए वाई प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए वाई का स्क्वायर। नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ए एक्स का स्क्वायर, तो इसे जब इंटू करेंगे ए एक्स इंटू ए एक्स टू टाइम्स है, तो ये बन जाएगा हमारा ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू टू ए एक्स बी वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टू ए बी एक्स वाई लिख सकते हैं जब इंटू करेंगे तो टू ए बी एक्स वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ये हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस का साइन अगेन यहाँ पे देखिए टू इंटू बी एक्स इंटू ए वाई यानी कि टू इंटू ए बी एक्स वाई, तो ए बी एक्स वाई प्लस ए वाई का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हमारा ये जस्ट एक मिनट मैंने रॉन्ग किया फिर से साइन सॉरी। देखिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है ना, तो यहाँ पे ये प्लस का साइन है, रेड पेन से कर दे रही हूँ मार्क जिससे कि अच्छे से समझ में आए। देखिए ये प्लस का साइन है ना, साइन मैंने रॉन्ग किया। तो देखो आप लोग ध्यान से पढ़ना, बहुत बार मैं मिस्टेक कर देती हूँ तो ध्यान से पढ़ना, जहाँ भी मिस्टेक्स हो वो आपके समझ में आ जाएंगे। और मुझे भी कमेंट के थ्रू बता देना कि कहाँ मिस्टेक है, फिर मैं उसे सही करने का कोशिश करूँगी। ठीक है, नाउ देखिए ये प्लस टू ए बी एक्स वाई हो रहा है एंड यहाँ पे हमारा माइनस टू ए बी एक्स वाई है, एक प्लस में एक माइनस में, सो ये कैंसिल हो गया। नाउ बचे हुए पार्ट को लिख लेते हैं सॉल्व करके, तो क्या क्या बच रहा है देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमारा बच रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर देन बच रहा है प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, नेक्स्ट है प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ग्रुपिंग चेक करना है। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर में, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं क्योंकि दोनों में दो ऑल टर्म्स अलग हैं। तो इसके साथ देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स है, तो दैट मीन्स इन दोनों का हम एक ग्रुपिंग कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें वाई स्क्वायर है यहाँ भी वाई स्क्वायर, तो इन दोनों का एक ग्रुपिंग बन जाएगा। तो फर्स्ट ग्रुपिंग करके लिख लेते हैं, तो ग्रुपिंग हमारा क्या बन जाता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसके साथ प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनकी ग्रुपिंग बन रही है, प्लस सेकेंड ग्रुपिंग हमारा बन रहा है बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक ये ग्रुपिंग बन रहा है। ठीक है, ग्रुपिंग के साइन ब्रैकेट्स ना भी दो तो चलेगा, मैंने समझाने के लिए आपको दिया है, दे भी दिया तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी तो ग्रुपिंग करके ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में हम देख लेते हैं कि हमारा कॉमन में क्या आ जाएगा। तो क्लियर है कि देखिए एक्स हमारा कॉमन में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है एंड इधर भी एक्स स्क्वायर है, क्लियर दोनों में एक्स स्क्वायर है, तो सो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सॉरी कॉमन बाहर एच सी एफ आ गया इसका एंड ब्रैकेट्स में बच गया हमारा ए स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसल प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा बच रहा है। नाउ प्लस का साइन, अब इन दोनों में वाई स्क्वायर दोनों सेम है, तो सो वाई स्क्वायर हमारा एच सी एफ बन गया एंड ब्रैकेट्स के अंदर बच जाएगा फर्स्ट ए स्क्वायर को ले लेंगे क्योंकि यहाँ भी हमने ए स्क्वायर लिया है एंड प्लस बी स्क्वायर, क्लियर देखिए ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम हो गया, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बचा हुआ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वही लिख लेंगे एंड यही हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन सेवन इज ए क्यू प्लस ए बी इंटू वन माइनस टू ए माइनस टू बी स्क्वायर, तो अगेन यहाँ हम ब्रैकेट का वर्क करेंगे इंटू करके, तो फर्स्ट लिख लेंगे ए क्यू प्लस ए बी इंटू वन ए बी, नाउ प्लस इंटू माइनस माइनस, अब ए बी इंटू टू ए है तो ये हो जाएगा हमारा टू, नाउ ए दो है यानी कि ए का स्क्वायर बी माइनस टू बी स्क्वायर। अब इनकी ग्रुपिंग करके इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो इन दोनों में देखिए ए क्यू यहाँ पर सिंगल ए है, तो सिंगल ए बाहर एंड ब्रैकेट के अंदर आप क्या बच गया थ्री ए में से तीन ए से वन ए बाहर आ गया, दैट मीन्स टू बच रहा है, तो यहाँ दैट मीन्स ए का स्क्वायर बच रहा है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए से ए कैंसल बी बच गया माइनस, अब ये माइनस आया तो निश्चित है कि आगे का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ब्रैकेट्स बाहर क्या आ जाएगा हमारा एच सी एफ में टू एंड टू दोनों साइड है, सो वन टू बाहर आ गया, ये b का डिग्री वन b का डिग्री टू, तो ये b बाहर आ जाएगा, जो उसकी डिग्री छोटी हो वो बाहर। ठीक है,
ठीक है, तो 2b एंड ब्रैकेट्स के अंदर 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, ए स्क्वायर बच गया। नाउ ये माइनस है तो ब्रैकेट्स के अंदर ये माइनस चेंज, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस का साइन। अब 2 से 2 कैंसिल, 2b में से 1b बाहर आ गया, सिंगल b बच रहा है, ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे b। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स चेक। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी सेम आ गया, तो आंसर अब लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बचा हुआ पार्ट ए माइनस 2b इज द आंसर। नाउ सब पार्ट टू इज 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy प्लस 12x माइनस 12। सबसे इजी क्वेश्चन आपका, दोनों में 3xy है, ये छोटा है किसकी डिग्री, तो ये हमारा 3xy कॉमन आ गया। एंड ब्रैकेट्स में देखिए 3xy एक बाहर आ गया, ओनली x बच रहा है यहाँ पे, तो x, नाउ 3xy पूरा बाहर आ गया, यानी कि 3xy से जब 3xy डिवाइड करेंगे तो 1 बच गया, सो माइनस 1, ठीक है। नाउ ये प्लस का साइन, जब प्लस आता है तो आगे कोई चेंजिंग नहीं साइन में, है ना। अब यहाँ देखिए 12x माइनस 12, तो क्लियर है कि 12 हमारा HCF आ गया। एंड ब्रैकेट्स के अंदर 12 से 12 कैंसिल, तो x बच गया, x माइनस यहाँ 12 से 12 कैंसिल, तो 1 बच गया, सो 1। अब देखिए x माइनस वन ब्रैकेट्स में आ गया, सेम थिंग, तो सो आंसर इज x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट्स में बचे हुए पार्ट को, दैट इज 3xy प्लस 12 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई। तो यहाँ हमारे पास 6 टर्म है, अगेन दो दो का हमारा ग्रुपिंग बन जाएगा, तो ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग HCF लेंगे। यहाँ पे देखिए ए सिंगल है, इधर बी सिंगल है, दैट मीन्स ए एंड बी हमारा एज HCF, ए बी बाहर आ गया, सिंगल ए बच रहा है, सो ए प्लस यहाँ पे ए से ए कैंसिल, सिंगल बी एक बाहर आ गया, 1 भी बच रहे हैं, तो यानी कि ए प्लस बी। नाउ माइनस का साइन, अब इन दोनों में हमारा कॉमन हो जाएगा बी एंड सी इंटू ब्रैकेट्स में बच रहा है ए प्लस बी, नाउ प्लस का साइन। अब इन दोनों पार्ट में क्लियर है कि एक्स वाई हमारा HCF एंड बच रहा है हमारा ए प्लस बी। नाउ देखिए ब्रैकेट्स के अंदर ए प्लस बी सेम आ गया सब में, सो आंसर लिख लेंगे ए प्लस बी इंटू बचे हुए पार्ट्स को, तो ए बी माइनस बी सी देन प्लस एक्स वाई, एंड यही हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट टू इज ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर। तो सबसे इजी क्वेश्चन आपका ये भी है, तो देखिए इन दोनों में एक्स स्क्वायर सेम है, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, बच गया हमारा ए माइनस बी, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन, सो वाई स्क्वायर बाहर ले लिया, ए माइनस बी बच गया, प्लस जेड स्क्वायर दोनों में, सो जेड स्क्वायर कॉमन आ गया एंड ए माइनस बी। अब तीनों में ब्रैकेट चेक कर लेंगे, ए माइनस बी, सो आंसर हो गया ए माइनस बी एज अ फैक्टराइजेशन, ये हमारा फैक्टर निकल गया, तो फैक्टर एंड इनटू में हम जो बचा हुआ पार्ट है उसे लिख लेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9, एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ देखिए x माइनस वन, एक्स के साथ कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो 1 एंड 1 जब इसका फैक्टर लेंगे तो 1 ही होगा, सो 1 हमारा फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x माइनस, ब्रैकेट्स में आ जाएगा, चलिए लिख के कर लेते हैं, 1 हमारा फैक्टर हो गया। नाउ x 1 से 1 का माइनस सॉरी डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 1 0 1, सो माइनस 1 ब्रैकेट्स में। अब यहाँ पे देखिए माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर 2 टाइम्स है, ठीक है, तो यहाँ भी x माइनस वन टू टाइम्स में आ जाएगा, तो सिंगल x भी लिख सकते हैं, एंड चलिए दोनों ही लिख लेते हैं, x माइनस वन इंटू ये हो गया हमारा x माइनस वन, ठीक है। जब हम इसका HCF लेंगे तो यहाँ भी आएगा 1 इंटू एक्स माइनस वन, 1 टू टाइम्स आ जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। नाउ प्लस अब इसमें ए एक्स माइनस ए, ए हमारा कॉमन हो गया, एंड ब्रैकेट्स के अंदर ए से ए कैंसिल, एक्स बच गया, नाउ माइनस का साइन, अगेन ए से ए कैंसिल हुआ 1 टाइम में, सो 1 एक्स माइनस वन। तो देखिए एक्स माइनस वन सेम आ रहा है तीनों में, सो हमारा एक्स माइनस वन आ जाएगा एज अ फैक्टराइजेशन, तो एक्स माइनस वन इंटू में अब हम क्या लिख लेंगे, तो इंटू में से हम लिख लेंगे, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस
अब ये 2 है x माइनस 1, तो एक दोनों में से एक x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक बन जाएगा, एक तो बाहर आ गया, नाउ माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो सो ये हो जाएगा हमारा x एंड प्लस 1, नाउ प्लस ए, प्लस ए, ये हमारा आंसर हो गया। नहीं, इसे एक बार और सॉल्व करके हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस 1 और प्लस 1 है, ठीक है। तो इसे हम एक बार और लिख लेते हैं, x माइनस 1 इंटू, इसे सॉल्व करके लिख लेंगे तो ये हो गया 1 प्लस 1 इज 2, है ना, ये प्लस में है, ये प्लस 1, 2 आ गया, तो 2 माइनस एक्स प्लस ए, इस तरह से आंसर लिखेंगे। नाउ सब पार्ट 2 इज ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस बी वाई माइनस इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा एक बना हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट्स में हमारा ये आ रहा है एक्स प्लस बी वाई, तो इधर भी हमें ब्रैकेट्स में ए एक्स प्लस बी वाई चाहिए। अगर इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे तो इसमें तो बी है नहीं, तो बी वाई हमारा नहीं बनेगा। तो यहाँ हम इन चारों में हमें सेट करने होंगे कि किसके साथ हम कौन सा ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए ए एक्स के साथ यदि हम बी वाई लें, है ना, तो ए एक्स बी वाई का एक ग्रुपिंग बन सकता है, सेम यहाँ पे ए एक्स एंड बी वाई का ग्रुपिंग बन सकता है। सो इन दोनों का एक ग्रुपिंग हम ले लेंगे, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, ब्रैकेट्स में है, इसे हम ब्रैकेट्स में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। नाउ ए स्क्वायर एक्स एंड ए बी वाई, तो प्लस है दोनों में, प्लस का साइन, एंड इन दोनों में ये सिंगल ए है, सो ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। बी वाई और एक्स ये तो दोनों में है नहीं, सो ये हमें ब्रैकेट्स में लेने होंगे। सो इन ब्रैकेट्स दो ए में से वन ए बाहर आ गया, तो यानी कि वन ए बच रहा है, ए एक्स बच रहा है, सो ए एक्स नाउ प्लस ए से ए कैंसल, बी वाई तो बी वाई, तो देखिए एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई, इन दोनों में एच सी एफ में हम क्या लेंगे, ले लिया हमने, देखिए ए एक्स ए स्क्वायर, सिंगल ए बाहर आ गया, क्लियर, एंड x दोनों साइड है, तो एक x हम यहाँ बाहर ले लेंगे, नहीं हमने ए एक्स एंड बी वाई का ग्रुपिंग किया, तो दोनों में वन हो गया, तो वन एज अ फैक्टर, ठीक है। तो वन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया a, एंड ब्रैकेट्स के अंदर ए एक्स प्लस बी वाई, नाउ माइनस, अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई टू टाइम्स है, तो इसे चलिए टू टाइम्स ही लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। इसे इस तरह से टू टाइम्स में है, तो ऐसे हमने लिख लिया, या आप इसे चाहो तो ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व करके फिर तब इस तरह से बना सकते हो, बट जब भी आप ऐसे सॉल्व करोगे तो सेम आएगा, तो उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। नाउ इसे अब एक साथ देखिए, एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई, दो में से एक एक्स प्लस बी वाई हमारा एज अ फैक्टर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी वाई, एंड ब्रैकेट्स में अब हम क्या लिख लेंगे बचे हुए पार्ट को, दैट मीन्स ये वन बच रहा है, तो वन प्लस ए, देन माइनस इन दोनों में से एक बाहर आ गया, ए एक बच रहा है, सो ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। इसे ब्रैकेट्स में जब ये स्मॉल ब्रैकेट लेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आ गया। नाउ इसे सॉल्व करके लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इंटू, अब यहाँ पे देखिए वन प्लस ए, नाउ माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये साइन माइनस बन जाएगा, एंड ये माइनस फर्स्ट ले लिखेंगे ए एक्स, एंड माइनस प्लस माइनस, तो माइनस बी वाई, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।